सूरज ढलने के वक्त जब आपकी कार बढ़ रही हो उस जगह जिसकी कल्पना मात्र से आपका मन आनंदित हो रहा है, तो जरा सोचिए जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो क्या होगा। सच मानिए, आप झूम उठेंगे, पूरा का पूरा शहर टेंट में बसा हुआ मिलेगा, है ना गजब की बात। यहां गुजरात की रंगीन छटा देखकर आप कह उठेंगे, वाह क्या बात है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इस टेंट हाउस सिटी की। ये सारा शहर टेंट से बनाया जाता है और यहां होता है रण उत्सव। जी हां, ये एक अस्थाई शहर है। इस डेजर्ट फेस्टिवल की शुरुआत सन 2006 ईस्वी में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। 9 समूहों में 350 से अधिक टेंट और 5 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला ये टेम्परेरी शहर सभी को आकर्षित करता है। कच्छ के रण के करीब एक शहर धुराड़ो में लगातार 100 दिनों तक ये उत्सव चलता है। रण उत्सव भारत में देसी विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे प्रतीक्षित और उत्साहपूर्वक अवसरों में से एक है, जो सफेद रेगिस्तान में प्रकृति के चमत्कारों और कच्छ की समृद्ध सामाजिक और रचनात्मक विरासत को करीब से देखने का मौका देता है। आप तो जानते ही हैं कि हम हिंदुस्तानी हर जगह को उत्सव में तब्दील करने में माहिर हैं। फिर क्या था, गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सन 2005 में दुनिया के लिए व्हाइट रण अनुभव पेश करने की पहल की। कच्छ के रण के पास एक गांव है धुराड़ो, उसके आसपास का इलाका चुना गया इस उत्सव के लिए। तय हुआ कि रण उत्सव 100 दिनों तक चलेगा, हर साल एक नया टेंट शहर बनाया जाएगा। यहां सैलानियों को आकर्षित करने के लिए सभी सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, ताकि देश दुनिया के शौकीन घुमक्कड़ी स्वभाव वाले यहां जिंदगी का एक नया अनुभव ले सकें। अपनी स्थापना के बाद रण उत्सव 20 से अधिक देशों के करीब 50,000 से अधिक आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। शुरुआती दौर में रण उत्सव 3 दिवसीय उत्सव था। जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे इस उत्सव की समय सीमा बढ़ाई जाने लगी। और अब जब सारी दुनिया में एक अकेले और अनोखे फेस्टिवल के रूप में इसकी खास पहचान बन गई है, तो अब ये लगातार 100 दिनों के उत्सव के रूप में विकसित हो चुका है।
झिलमिलाते तारों वाले आकाश में चमकते चांद के नीचे धरती पर अद्भुत अनुभव होता है। ऐसे कुदरती मनमोहक सौंदर्य में लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक गीत हर उम्र के सैलानी के सामने मस्ती भरा एक अद्भुत मिश्रण पेश करता है, तो मन प्रफुल्लित हो उठता है। गुजराती संस्कृति सांस्कृतिक संगीत कार्यक्रम, चांदनी रात में ऊंट की सवारी, ध्यान, पैरा मोटरिंग इत्यादि जैसे कार्यक्रम में जैसे ही कोई शामिल होता है, तो ऐसे लगता है मानो समय आपके हाथों से रेत की तरह फिसल जाएगा। वक्त रेत सा भले ही फिसल जाए, लेकिन आपकी खुशियों में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा ये वक्त। इस साल यानी रण उत्सव 2022-2023 के लिए बनाओ अपने रण उत्सव की नई और उमंग से भरी कहानियों की टैगलाइन इस फेस्ट पर काफी सूट करती है। लोगों के लिए बड़ी संख्या में दीव यात्रा, सौराष्ट्र यात्रा, सोमनाथ यात्रा आदि का आयोजन भी किया जाता है। संगीत का जश्न सैर सपाटे का मतलब होता है कि इलाके के हर मौसम और हर जगह का आनंद लिया जाए। यहाँ आए देसी विदेशी सैलानियों को सुबह के समय समुद्र किनारे के खुशनुमा माहौल में सैर करवाई जाती है। सैर के अलावा यहाँ मनोरंजन के और भी बहुत से साधन मौजूद हैं। धरती पर कुदरती नज़ारे सिर्फ पेड़ पौधों की शक्ल में ही दिखाई नहीं देते, बल्कि ऐसे नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। जी हाँ, ये है एक विशेष चुंबकीय क्षेत्र जहाँ भारी भरकम वाहन भी चुंबकीय तनाव के कारण अपने आप उल्टी दिशा में चलने लगता है। धोराडो में सजाए गए टेंट सिटी से एक रास्ता कालो डूंगर पहाड़ी की ओर जाता है। इसी सड़क मार्ग पर एक जगह है ध्रुबान। यहीं पर चुंबकीय ताकत का नजारा देखने को मिलता है।
कच्छ का कालो डूंगर क्षेत्र कच्छ के रण क्षेत्र का सबसे ऊंचा स्थान है। यूं ही नहीं करता गुजरात सभी के दिलों पर राज। यहाँ जब आप आते हैं तो दांतों तले उंगली दबाए बिना नहीं रह सकते। शहर हो या दूर दराज इलाकों में थोड़ी बहुत बसावट, आपको लोकल लोगों के हाथों की कलाकारी देखने को मिल ही जाती है। कहीं सजे हुए हैं हस्तशिल्प बाजार, कहीं ईश्वर के हैं धाम। ये है कालो डूंगर जनाब। कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, बात तो कुछ हद तक सही है, लेकिन जब आप इन सीढ़ियों पर चढ़कर कालो डूंगर पहाड़ी के टॉप पर पहुंचते हैं ना, तो दिलकश नज़ारा देखने को मिलता है। दूर क्षितिज पर सूरज अस्त होता दिखाई देता है और उसी अंधेरे में डूबता दिखाई देता है पाकिस्तान का बॉर्डर।